हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं और सब कुछ अच्छे से कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। और मैं अपने इस चैनल जीके ओनली पर आपके लिए जीके ज्योग्राफी ऑफ इंडिया यानी कि भारत के भूगोल के कुछ वन लाइनर वीडियोस लेके आई हूं। और आज उसी सीरीज का चौथा वीडियो है, तो लीजिए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निजी क्षेत्र में स्टील का कौन सा कारखाना है जो सबसे पुराना है? तो वो है टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। और इसके बारे में मैं ये कहूं कि अगर टिस्को के बारे में बात करें तो टिस्को की स्थापना जो है 26 अगस्त 1907 को हुई और वो जमशेदपुर में हुई। इसके संस्थापक जो थे जमशेद जी टाटा और दुराबजी टाटा है। अगला क्वेश्चन है, नीलगिरी की पहाड़ियां किस राज्य में है? तो वो है तमिलनाडु में। पनियान और इरुल जाति किस राज्य में निवास करती है? तो वो है तमिलनाडु में। पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? तमिलनाडु राज्य के राम उसमें, और इसका दूसरा नाम रामेश्वरम द्वीप है जो कि मन्नार की खाड़ी में है। और अब भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? वो लगता है सोनपुर बिहार में। और इसके बारे में हम बात करें तो सोनपुर जो पशु मेला है वो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है सोनपुर बिहार में, और वो कार्तिक पूर्णिमा से एक महीने तक चलता है। इसे हरिहर क्षेत्र मेला या छत्तर मेला के नाम से भी जाना जाता है। बिहार के सारण तथा वैशाली जिले की सीमा पर गंगा और गंडक नदी के मिलन स्तर पर ये मेला लगता है। अब हम अगला क्वेश्चन, पांच नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? वो है पंजाब को। पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? केरल और तमिलनाडु को। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी। और प्रर्ली और ढूढ़िया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो वो है दादरा नगर हवेली से। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य के नाम कौन से हैं? जहां भारत और चीन की बाउंड्री मिलती है वहां भारत के कौन कौन से स्टेट्स हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। भारत व पाकिस्तान के मध्य चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? दो रेलगाड़ियां, थार और समझौता एक्सप्रेस। थार एक्सप्रेस और समझौता एक्सप्रेस, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा कौन सी है? वो है रेड क्लिफ रेखा। और रेड क्लिफ रेखा के बारे में हम कहते हैं कि इसका निर्धारण जो है भारत के विभाजन के साथ ही 15 अगस्त 1947 को हुआ, और इसका निर्धारण सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने किया, और जिसकी वजह से इस रेखा का नाम रेडक्लिफ रेखा रखा गया। अब भारत का विस्तार देखें तो भारत का उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण कश्मीर से कन्याकुमारी विस्तार 3,214 किलोमीटर है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जिसको मैं अपने हिसाब से 32,87,263 कहती हूँ ताकि याद रखने में इजी रहे, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और भारत का पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना है? 2,923 किलोमीटर। भारत का कौन सा बंदरगाह ज्वारीय बंदरगाह है? वो है कांडला बंदरगाह। भारत का कौन सा भूभाग सबसे प्राचीन है? प्रायद्वीपीय पठार। अब हम अगला क्वेश्चन देखें, भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान तीनों की सीमा को टच करता है, मतलब चीन को भी, नेपाल को भी और भूटान को? वो है सिक्किम। भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से नेपाल से घिरा हुआ है? त्रिपुरा। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो वो है उत्तर प्रदेश। कौन कौन से राज्यों की सीमाओं को? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की। तो टोटल 9 राज्यों की सीमाओं को यह टच करता है। तो आज के वीडियो में इतना, अगले वीडियो में मैं और भी वन लाइनर क्वेश्चन लेके आऊंगी, तब तक आप तैयारी कीजिए। हम फिर मिलेंगे, टिल देन स्टे ट्यून्ड विद मी, थैंक यू।